आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में अब काफी कम समय, काफी कम दिन बचे और आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत से पहले अब काफी सारी टीमों के लिए काफी अधिक समस्याएं क्रिएट हो चुकी, जहां पर काफी सारी टीमों के काफी सारे खिलाड़ी अब इस आईपीएल एडिशन से बाहर हो चुके, जहां पर रिसेंटली मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अब आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। खिलाड़ियों के बाहर होने पर इन खिलाड़ियों की अब इमीडिएटली यहाँ पर रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी जा चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको आईपीएल से ऑफिशियली बाहर हुए खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि बुमराह के बाहर होने पर आखिर मुंबई इंडियंस ने बुमराह की आखिर क्या रिप्लेसमेंट अनाउंस करी, आपको इस वीडियो में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं अब तक कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर आईपीएल से ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं, खिलाड़ियों के क्या रिप्लेसमेंट अनाउंस हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लिस्ट में पहले प्लेयर की, तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर चेन्नई के काइल जेमिंसन का। दरअसल काइल जेमिंसन है ऑफिशियली आईपीएल 2023 के एडिशन से बाहर हो चुके, जहां पर काइल जेमिंसन को अपनी बैक की यहाँ पर इंजरी की सर्जरी करानी है। सर्जरी से इनको रिकवर होने में 4 से 6 महीने का समय लगेगा, तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली इस साल आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। तो इस वजह से अब चेन्नई ने इनकी रिप्लेसमेंट यहाँ पर फाइनलाइज कर रखी है। बड़े बड़े सोर्सेस ने, इवन मल्टीपल सोर्सेस ने यह कंफर्म्ड किया है कि चेन्नई की टीम में काइल जेमिंसन की जगह यहाँ पर श्रीलंका के कप्तान, श्रीलंका के ऑलराउंडर दशुन छनका की अब एंट्री ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। चेन्नई की टीम ने रिप्लेसमेंट के तौर पर दशुन छनका को साइन कर लिया और कुछ ही समय बाद अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो काइल जेमिंसन जो कि ऑफिशियली इस आईपीएल एडिशन से यहां पर कंप्लीटली बाहर, कंप्लीटली रोल्ड आउट हो चुके, उनकी जगह हमें काइल जेमिंसन मोस्ट लाइकली यहां पर, अब यहां पर काइल जेमिंसन को मोस्ट लाइकली दशुन छनका हमें चेन्नई में यहां पर रिप्लेस करते हुए देखेंगे। तो चेन्नई में अब दशुन छनका जो कि आईपीएल 2023 के एडिशन में काइल जेमिंसन की जगह खेलते हुए देखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है ऋषभ पंत का। दरअसल ऋषभ पंत भी ऑफिशियली आईपीएल से बाहर हो चुके, आईपीएल से रूल्ड आउट हो चुके, ये भी अपनी यहां पर मेजर एक्सीडेंट की वजह से इनके लेग में, हाथ में जगह जगह इंजरी हो रखी है। तो इस वजह से 8 से 10 महीना ये क्रिकेट से दूर रहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस साल ये नहीं खेल पाएंगे और दिल्ली कैपिटल्स ने इनकी जगह यहां पर लवनीत सिसोदिया को, जो कि यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज है, इनको अपनी टीम में फाइनलाइज किया, जो कि पिछले साल आरसीबी का भाग थे। लवनीत सिसोदिया पिछले साल आरसीबी का भाग थे, लेकिन यहां पर आरसीबी में इनको ज्यादा मौके नहीं मिले थे। इस साल यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने इनको रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में फाइनलाइज कर लिया। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब यहां पर ऋषभ पंत को लवनीत सिसोदिया यहां पर रिप्लेस करते हुए देखेंगे। तो लवनीत सिसोदिया अब ऋषभ पंत की जगह दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आईपीएल 2023 के एडिशन में हमें नजर आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, तो जो तीसरा प्लेयर ऑफिशियली आईपीएल से बाहर हो चुका है वो है जसप्रीत बुमराह। दरअसल बुमराह भी अब आईपीएल से और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से कंप्लीटली बाहर, कंप्लीटली रूल्ड आउट हो चुके हैं। बुमराह को फिट होने में अभी भी यहां पर 2 से 3 महीने, यहां पर मैक्सिमम 4 महीने का समय लगेगा। ये तीन खिलाड़ी ऑफिशियली आईपीएल 2023 के एडिशन से रूल्ड आउट हो चुके और बुमराह की यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई की टीम 2 से 3 इंडियन गेंदबाजों के साथ बातचीत करी और काफी हाईली चांस है कि संदीप शर्मा अब इनकी जगह मुंबई में आ जाए, जहां पर संदीप शर्मा इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जिस प्रकार से बुमराह शुरू में और डेथ में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर संदीप शर्मा यहाँ पर बुमराह की तरह डेथ में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरुआती ओवरों में कुछ हद तक ये बुमराह से बेटर भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इस वजह से बुमराह को अब संदीप शर्मा यहाँ पर मोस्ट लाइकली रिप्लेस कर रहे। तो इस प्रकार से इन खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड, ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से आपको कौन सी टीम का फैसला बढ़िया, कौन सी टीम का फैसला आखिर बेकार लगा, और आईपीएल 2023 के एडिशन में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, इसके साथ ही आप कौन सी टीम के यहाँ पर मुकाबले का टिकट जीतना चाहते हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।